NTAUGCNET Yan in Imaginet. सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े आसानी से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल निमीजी नेट पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रिसर्च के अंदर रिसर्च इथिक्स की और डेटा कलेक्शन की, तो ये वीडियो पूरा देखना, ध्यान से देखना क्योंकि इसमें से काफी बार क्वेश्चन आए हैं। दोस्तों अगर आप चाहे तो बहुत अच्छे से स्टडी करने के लिए हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर हम आपको सभी 10 यूनिट के स्टडी नोट्स देते हैं, थ्योरेटिकल वीडियोज देते हैं, इसके साथ साथ 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर देते हैं विद टॉपिक वाइज क्वेश्चन। जैसे कि आज तक रिसर्च के क्वेश्चन आ चुके हैं वो हमने अलग रखे हैं, टीचिंग के क्वेश्चन अलग रखे हैं, कम्युनिकेशन के अलग रखे हैं, इस तरीके से सभी 10 यूनिट के जो क्वेश्चन हैं आपको अलग अलग किए हुए मिलेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको सभी 10 यूनिट के लाइव मॉक टेस्ट देते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करना है तो जल्दी से जल्दी हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं रिसर्च इथिक्स की। अब देखिए रिसर्च इथिक्स को हिंदी में कहते हैं अनुसंधान नैतिकता। सबसे पहले हम इसका सिंपली भाषा में मतलब समझ लेते हैं कि रिसर्च इथिक्स का मतलब क्या होता है। अब देखिए इथिक्स का मतलब समझे तो नैतिकता होता है, यानी कि हम कोई भी काम करें तो उसके अंदर हम कितनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। इसी तरीके से जब हम रिसर्च कर रहे होते हैं तो उसके अंदर हमें अपनी पूरी ईमानदारी से काम करना ज़रूरी होता है। जब हम डेटा कलेक्शन करते हैं, रिसर्च करते हैं, सैंपल वगैरह इकट्ठा करते हैं तो वहाँ पर हमें अपनी नैतिकता यानी कि ईमानदारी दिखाना ज़रूरी है। क्योंकि जैसे हमने बताया था कि जो हम सैंपलिंग इकट्ठा करते हैं, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, उसके अंदर था जैसे कन्वीनियंस सैंपलिंग वगैरह था, तो उसके अंदर क्या होता है कि हम अपनी इच्छा के अनुसार अपने हिसाब से सैंपल इकट्ठा करते हैं, तो इस दौरान काफ़ी तरह की जो गलतियाँ हमारे रिसर्च के अंदर आ जाती हैं उन सभी से बचने के लिए रिसर्च इथिक्स का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि रिसर्च इथिक्स के अंदर क्या होता है। अनुसंधान नैतिकता का आशय अनुसंधान के प्रदत्त संकलन यानी कि जो सैंपल इकट्ठा करते हैं तथा विवेचन के चरण में संगत माना जाता है। ये वही बात आ गई जब हम डेटा कलेक्शन वगैरह करते हैं तो उसके अंदर ये सबसे ज़्यादा यूज होता है। और जैसे शोध रिपोर्ट को रिपोर्ट करना, समस्या का प्रतिपादन और अनुसंधान निष्कर्षों का प्रतिपादन करना, ये देखिए दोस्तों थोड़ा हिंदी में आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है ये, तो इनका सभी का मतलब यही है कि जब हम रिसर्च कर रहे हैं, रिपोर्ट बना रहे हैं और जो समस्या का चुनाव कर रहे हैं तो उन सभी चीज़ों में हमें रिसर्च इथिक्स का यूज़ करना चाहिए। अब देखिए रिसर्च इथिक्स के अंदर मुख्य रूप से क्या क्या चीज़ें आती है जो हमें ध्यान रखनी होती है। सबसे पहली चीज़ है ईमानदारी पूर्वक आंकड़े, परिणाम व विधियाँ। हमें पूरी ईमानदारी के साथ जो आंकड़े वो इकट्ठे करने चाहिए और जो परिणाम निकले वो भी हमें बिल्कुल सही दिखाना चाहिए। ये नहीं है कि अपनी रिसर्च में अगर नेगेटिव परिणाम निकल रहे तो हम उनको पॉजिटिव तरीके से दिखाएं, नहीं, जो सच्चाई है वही हमें दिखानी चाहिए। और जो विधियाँ हैं वो भी हमें जो एक्यूरेट विधियाँ वही यूज करनी चाहिए, ये ना हो कि जो हमें सही लग रही है, जो हमारे लिए आरामदायक है वो नहीं करनी चाहिए। जो हमारी रिसर्च के लिए बेस्ट से बेस्ट हो सकती है वो हमें करनी चाहिए। और फिर आता है पूर्वाग्रह एवं भ्रांति धारणों से बचना चाहिए। अब देखिए हम रिसर्च कर रहे हैं किसी समस्या को लेकर तो हमारे मन के अंदर भी कभी काफ़ी तरह की बातें होती हैं कि ये बात तो ऐसी होगी, ये ऐसी होगी, नहीं, हमें अपने हिसाब से नहीं चलना है, हमें रियल में ये देखना है कि इसका सॉल्यूशन क्या है, प्रॉब्लम क्या है, हमें रियलिटी पे चलना है, अपने पूर्वाग्रहों से बचना है, हमारी जो थिंकिंग है वो हमें इसमें ज़्यादा यूज नहीं करनी। और आगे है व्यक्तिपरकता से मतलब है कि हमें किसी व्यक्तिगत नहीं होना अपनी रिसर्च के अंदर, ठीक है। अब ये देखिए दोस्तों जो छोटी छोटी चीज़ आ रही है इसके अंदर जैसे ईमानदारी पूर्वक आंकड़े, पूर्वाग्रह, व्यक्तिपरकता, ये छोटी छोटी चीज़ें दोस्तों यहीं से क्वेश्चन आते हैं। शाम का जो अपना मॉक टेस्ट होगा उसके अंदर आप देखना इन्हीं में से
क्वेश्चन आए हुए हैं, और अगर आप ध्यान से इनको देख लेते तो बहुत आसानी से आप पेपर कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं गंभीर एवं ध्यानपूर्वक तरीके से कार्य करना, वही आ रही है कि हमें पूरा सीरियस होकर काम करना है, ये नहीं है कि हम इग्नोर करते चले जाए सारी चीज़ों को, नहीं। और अप्रकाशित डेटा मेथड का यूज न करना, हमें ऐसा किसी भी डेटा और मेथड का यूज नहीं करना जो ऑथेंटिक नहीं है या अप्रकाशित है, यानी कि जो चलन में नहीं है। ऐसा अपनी तरफ से कोई भी ऐसा डेटा या मेथड नहीं लगाना, हमें वही लगाना है जो रिसर्च के अंदर वैलिड है। उसके बाद है स्वतंत्र तथा स्वाभाविक प्रक्रिया, हमें पूरे स्वतंत्र होकर काम करना है, ये नहीं है कि किसी में किसी के दबाव में आके कोई काम नहीं करना है। विश्वसनीय प्रक्रिया, हम जो काम कर रहे हैं वो फेथफुली होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए। और ज्ञान वृद्धि में सहायक, जो हम काम कर रहे हैं वो किसी के ज्ञान को इनक्रीज करे, ऐसा काम हमारा होना चाहिए। गोपनीय तथा स्वायत्तता का सम्मान, अब देखिए इसके अंदर से भी क्वेश्चन आता है। अब देखिए हम रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च में हम सैंपल इकट्ठा कर रहे हैं, तो कोई इंसान ये चाह रहा कि मेरा नाम है वो रिसर्च के अंदर नहीं आना चाहिए। अब जैसे एक एग्जांपल का एक एग्जांपल लेते हैं हम, अब देखिए जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे किसी गांव के अंदर गए, वहाँ नशा करने वालों पे हम एक रिसर्च कर रहे हैं, तो कोई व्यक्ति आए वो कहे कि मैं बता सकता हूँ कि कौन कौन नशा करता, क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ा, लेकिन मेरा नाम बीच में नहीं आना चाहिए, तो हमें उनकी गोपनीयता का सम्मान करना ज़रूरी है। और आगे कलात्मक तथा सृजनशील प्रक्रिया, यानी कि हमें इसके अंदर क्रिएटिव होना पड़ेगा, नई नई चीज़ें निकाल के लेके आनी पड़ेगी जो ज़्यादा से ज़्यादा यूजफुल हो। मानवीयता का गुण, इसमें मानवीयता का गुण होना चाहिए। और आगे भविष्य हेतु, हम जो कार्य कर रहे हैं वो भविष्य में यूजफुल होना चाहिए, यानी कि हमें ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना है जो यूजफुल ना हो। अब देखिए रिसर्च करने के दौरान हमें क्या क्या दिक्कत आ सकती है, क्या क्या एरर आ सकते हैं। सबसे पहली है काल्पनिक अवधारणाएं। अब वही बात है जो मैंने पहले बताई कि हमें अपनी थिंकिंग नहीं लगानी है, कल्पना नहीं करनी है कि ये तो ऐसे होगा, ये वैसे होगा, ये होगा। हम कल्पना कर सकते हैं लेकिन उसे टेस्ट भी करना है, ठीक है। परिकल्पना हम कर सकते हैं, हाइपोथेसिस हम कर सकते हैं, लेकिन हमें उसे टेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। केवल और केवल कल्पना के अनुसार हम अपनी रिसर्च नहीं कर सकते। ये हिंदी में कुछ और बन गया दोस्तों, फॉन्ट की दिक्कत है। औचित्यपूर्ण, यानी कि जो औचित्यपूर्ण होना चाहिए, औचित्यपूर्ण अब क्या कहें ये थोड़ा मेरे को भी नहीं पता, औचित्यपूर्ण क्या होता है, यानी कि वही होता होगा कि सही तरीके से हमें करना चाहिए। अब वही बात आ गई पूर्वाग्रह एवं पक्षपात, हमें पूर्वाग्रह से बचना चाहिए और पक्षपात नहीं होना चाहिए दोस्तों। हमें वही है कि हम दो लोगों के बाद बीच में या 10 लोगों के बीच में कोई रिसर्च कर रहे हैं, तो अगर हम 10-10 लोगों के बीच में कर रहे हैं तो हम दोनों जो 10-10 की जो हमने टीम बनाई है दोनों से हमने इक्वल क्वेश्चन करने हैं, इक्वल व्यवहार करना है। ये नहीं है कि 10 लोगों के साथ अच्छा किया और दूसरे 10 लोगों के साथ हम अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे, तो यानी कि जो पक्षपात है वो नहीं होना चाहिए। प्रदूषित तथ्य, यानी कि जो हमारे तथ्य हैं वो बिल्कुल एकदम सही होने चाहिए, वो खराब तथ्य नहीं होने चाहिए। और देखिए हमें भ्रांतियों से बचना चाहिए, भ्रांतियाँ जैसे हम किसी गांव में जाएंगे और वहाँ पे अगर किसी को बुखार हो गया, कुछ और बड़ी बीमारी होगी, तो लोग कहेंगे कि इसमें तो भूत घुस गया, इसमें तो ये हो गया वो हो गया, तो हमें भ्रांतियों से बचना चाहिए, हमें रियलिटी देखनी चाहिए कि रियलिटी क्या है। और इसके अलावा और भी काफ़ी तरह की चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है दोस्तों, आप पढ़ सकते हैं, ये नोट्स आपको मिल जाएगा। और अगर किसी दोस्त को ये नोट्स चाहिए और उन्होंने अगर अभी तक हमारा जो पेड ग्रुप है वो ज्वाइन नहीं किया, तो आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और अब देखिए अब आता है हमारे पास डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन में सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी डेटा की। देखिए हम जब रिसर्च करते हैं तो हमें बहुत से डेटा की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो डेटा हम किस किस तरह से एक्वायर करते हैं, कैसे इकट्ठा करते हैं, उसकी बात करेंगे। तो प्राइमरी डेटा के अंदर क्या होता है, प्राइमरी डेटा इज डेटा दैट इज कलेक्टेड बाई रिसर्चर फ्रॉम फर्स्ट हैंड रिसोर्स। इसके अंदर क्या होता है, जो रिसर्चर जो होता है शोधकर्ता अपनी तरफ से डायरेक्टली नए तरीके से वो डेटा लेता है, बिल्कुल फ्रेश डेटा लेता है। इसके अंदर जैसे सर्वे की हम बात करें, इंटरव्यू की बात करें, एक्सपेरिमेंट की बात करें, यानी कि अपनी तरफ से एकदम फ्रेश डेटा जो लिया जाता है उसे हम कहते हैं प्राइमरी डेटा कहते हैं।
और इसके बाद आता है जैसे हमारे पास सेकेंडरी डेटा। अब देखिए सेकेंडरी डेटा के अंदर क्या होता है, सेकेंडरी डेटा इज ए टाइप ऑफ डेटा दैट हैज़ ऑलरेडी बीन पब्लिश्ड इन बुक न्यूज़पेपर मैगजीन। अब देखिए सेकेंडरी डेटा के अंदर क्या होता है कि ऐसा डेटा जो पहले से ही उपलब्ध है, पहले से ही प्रकाशित है, उसको जब इकट्ठा करते तो उसे हम कहते हैं सेकेंडरी डेटा। इसके अंदर क्या होता है जैसे कि बुक्स होगी, न्यूज़पेपर होगी, मैगजीन होगी, इनके अंदर किसी समस्या के बारे में बताया गया है, किसी ने रिसर्च किया है, तो वहाँ से जब हम तथ्य उठाते तो उसे हम कहते हैं सेकेंडरी डेटा कहते हैं। जैसे हम आजकल ऑनलाइन बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, देखिए ऑनलाइन जैसे वेबसाइट वगैरह जाते हैं, वेबसाइट वगैरह पे जा जाके हम जानकारी इकट्ठा करते हैं, तो वो क्या हो गया हमारा सेकेंडरी डेटा हो गया। तो इसमें से भी क्वेश्चन आए हैं और शाम की जो हमारी वीडियो होगी दोस्तों उसके अंदर हम रिसर्च एथिक्स से काफ़ी क्वेश्चन लेके आएंगे, तो उन सभी को आपको करना है और ताकि आपको पता चल सके कि आप कितना अच्छे से सीख रहे हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटे का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों।